इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाने वालों को कैश में अपना टैक्स जमा कराने की छूट। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई से बैंकों को कैश में जमा लेने की अनुमति देने के लिए लिखा। 30 सितंबर तक खुली है ये योजना। और 9 सितंबर तक देश में 1055 लाख हेक्टेयर जमीन पर खरीफ फसलों की बुआई का काम पूरा। दलहन, चावल, मोटा अनाज और तिलहन की ज्यादा बुआई। गन्ने और कपास का रकबा बीते साल के मुकाबले थोड़ा कम। 19 सितंबर को आएगा 6 साल में अब तक का सबसे बड़ा ईपीओ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस बाजार से उठाएगा 6,057 करोड़ रुपए। शेयर का भाव 300 से 340 रुपए के बीच। किसी जीवन बीमा कंपनी का ये पहला ईपीओ। और तेल और गैस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर और यूके की 6 दिनों के दौरान इन्वेस्टर रोड शो में लिया हिस्सा। नई पॉलिसी के तहत 30 अक्टूबर तक किया जा सकता है निवेश के लिए आवेदन।